जनपद मिर्जापुर के लड़के का हुआ चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर। आपको बता दें कि बिसुंदरपुर निवासी दिलीप कुमार द्विवेदी के पुत्र पिनाश पाणी द्विवेदी का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन होने की खुशी में पिनाश पाणी द्विवेदी अपने गुरु भरवना स्थित बिंदवासनी पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन अखिलेश मिश्र से आशीर्वाद लेने उनके आवास पहुँचे और वहीं पर उन्होंने बताया कि मेरी पढ़ाई इसी स्कूल से हुई है और मेरे गुरु यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं और मेरी इस कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ मेरे माता पिता का है। इसके पहले मैं बैंक में जॉब कर रहा था, उसी दौरान मैंने इसकी तैयारी करके इस जॉब को पाया है। वहीं इनके गुरु अखिलेश मिश्र ने बताया कि ये लड़का शुरू से ही हर बार अच्छे नंबर लाता था, जिससे मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये लड़का एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और भविष्य में ऐसे ही और लड़के आगे निकलेंगे। मेरा नाम पिनाक पाणी द्विवेदी है। आज बड़ा खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है आपके घर में, क्या है ये खुशी? एक्चुअली मेरा UPPCS 2020 के तहत डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ है, तो हमें हमारे सीनियर टीचर लोगों ने बुलाया है सम्मानित करने के लिए, इसलिए खुशी का माहौल है। आप किस जगह बैठे हैं आज? मैं आज अपने चेयरमैन सर के घर पर बैठा हुआ हूँ, श्री अखिलेश मिश्रा सर के घर पर। आप जनपद मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं जी, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई थी? कक्षा 8 तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, लेकिन 9th में माता पिता का मन होने की वजह से मैं बिंदवासनी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। 9th से लेकर 12th तक अंग्रेजी मीडियम में बहुत ही कठिनाइयों का सामना हुआ, लेकिन चेयरमैन सर के रहते मुझे बहुत ही मदद मिला और मैंने अच्छे मार्क्स 10th 12th में हासिल किए, तो मैंने बिंदवासनी पब्लिक स्कूल से ही अपनी बेसिक शिक्षा ग्रहण की। तो क्या मानते हैं जो आपका मेन शिक्षा था वह इसी स्कूल से था? जी हाँ। आज आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता का है, मेरे स्कूल के चेयरमैन श्री अखिलेश मिश्रा सर का है। सर, आज आपके स्कूल से एक बच्चा डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पहुँचा है, सबसे बड़ा संदेश क्या देंगे आप जनपद के लिए? मैं अखिलेश मिश्रा, वाइस चेयरमैन बिंदवासनी पब्लिक स्कूल, मैं पहले बधाई देता हूँ पिनाक पाणी द्विवेदी को जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। उनके माता पिता हमसे शुरू से जुड़े थे, जब ये छोटा था मेरे पास आया तो मैं इसकी प्रतिभा से को देख कर के कायल हो गया इसका, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की इसके साथ और ये कक्षा 10 में टॉप किया पूरे जिलों में, पूर्वांचल के 10 टॉपर्स में था, ये इंटर में ये टॉपर्स था, इसके बाद ये आज डिप्टी कलेक्टर बन गया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग गुरु हर साल मेहनत करते हैं, इसके साथ भी मेहनत किए, हमारे बच्चे हर साल IIT नीट में क्वालिफाई कर रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि जनपद के बच्चे बहुत मेहनत करें। देखिए ये बहुत परिश्रमी था, ये एक कदम आगे रहना जानता था। जब ये कक्षा 9 में था तो 9 के साथ साथ ये हम लोगों से कक्षा 10 के भी प्रश्न पूछता था। आपके लड़के का डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस खुशी के लिए मैंने बहुत दिन से तपस्या किया है। जब बैंक में था तभी मेरे सपने को मैंने सोचा कि IAS ऑफिसर बन के मेरे सपने भी साकार करें, लेकिन मैं सोची कि अब बैंक में हो गया तो क्या कर सकता है आगे। फिर इसने मेरा कहना मान के बैंक की नौकरी को रिजाइन दे के फिर इसने आ गया तैयारी करने के लिए, आज ये कामयाब होती मेरे सामने, मैं बहुत खुश हूँ इसके। आपके लड़के का डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट चयन हुआ है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी का अनुभूत हो रहा है और बस हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि हमारा बच्चा कोई सिविल सर्विस में, मेरा बेटा सिविल सर्विस में हो गया, इस बात को मुझे बहुत खुशी।